स्कंद माता। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ अम्बे के हर रूप की तरह माँ का ये रूप भी बेहद सरस और मोहक है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से माता के भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं, इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनकी सवारी है। नवरात्रि पूजन के पांचवें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की अलसी से औषधि के रूप में पूजा होती है। अलसी एक औषधि है जिससे वात, पित्त, कफ जैसी मौसमी बीमारियों का इलाज होता है। इस औषधि को नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता को चढ़ाने से मौसमी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। सौम्या सौम्या तराशेष सौम्येभ्य स्तवति सुंदरी परापराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी। जय माता दी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जय पारस चैनल के खास कार्यक्रम नौ दिन नवरात्र में, और मैं हूं आप सभी के साथ आशीष तिवारी। दर्शकों, चैत्र नवरात्र चल रहा है और आज पांचवा दिन है, और पांचवें दिन विशेषकर स्कंद माता की पूजा की जाती है, और ये विधि विधान किस तरीके से है इस पर हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नवरात्र के दौरान और पांचवें दिन मान स्कंद माता को मनाने के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है इस पर बात करेंगे। और बहुत सारी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी मौजूद हैं रमन शर्मा जी, पंडित रमन शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय 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 स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, जय जननी जग की महतारी, पूरण की जो सबकी आस महारानी, जय हो स्कंद माता। आज पंचम तिथि यानी पंचमी तिथि माता स्कंद माता का आज नवरात्र है। नवरात्रों की पावन बेला चल रही है, पावन शुभ घड़ियां चल रही हैं, माँ भगवती की घर घर में पूजा अर्चना की जा रही है। आज माता का पांचवा दिन है यानी भगवती दुर्गा की पांचवीं शक्ति पांचवीं दुर्गा माता स्कंद माता आज के दिन घर घर में पूजी जा रही हैं, हर भक्तों की आस पुजा रही हैं। हे स्कंद माता, आपको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। पूज्य मासी को अगर पूजने की बात की जाए गुरु जी, या उनके स्वरूप की पहली बात की जाए, तो माँ का स्वरूप बड़ा ही मनमोहक है। वो जिस हिसाब से अगर देखने को देखा जाए नौ रूपों में, तो बहुत ही मनमोहक होती हैं। इनके अगर स्वरूप की चर्चा की जाए तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, माँ का जो स्वरूप है स्कंद माता का बहुत ही सुंदर है जी, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ये सिंह पर विराजमान है, इनके कई सारे हाथ हैं, हर हाथों में इन्होंने अस्त्र शस्त्र सुशोभित किए हुए हैं, रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट स्वर्ण मुकुट माँ के शीश पर विराजमान है, गले में हाथों में बहुत सुंदर नाना प्रकार के आभूषण माँ के गले में सुशोभित हो रहे हैं, लाल चूड़ियां सोने के कड़े और रत्न जड़ी अंगूठियां माँ की उंगलियों में सुशोभित हैं, माँ की कर्धनी के अंदर यानी कमर के अंदर जड़ाऊ सोने की जो तगड़ी है वो माँ ने पहन रखी है, और माँ का जो स्वरूप है बहुत ही दिव्य और बहुत ही अलौकिक है। माँ ने अपने हाथ से अपनी गोद के अंदर स्कंद पुत्र को बैठा रखा है, और यह देवी संतान दायिनी भी कहलाती हैं, यानी संतान भी देती हैं। ऐसी माँ की प्रबल जो माँ नौ दिन के अंदर जो अपनी छटा बिखेरती हैं, आज की जो देवी हैं, आज की जो पूजा उपासना है स्कंद माता की, ये माँ संतान देती हैं, संतान दायिनी हैं, और सभी की जितने भी अपने भक्त हैं उनकी संतान से संबंधित इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। देखिए कितनी माँ की जो है छटा है, कितनी कृपा है कि माँ संतान देने के लिए आज आपके घरों के अंदर विराजमान हुई है, आज आपके घरों में बैठी है, और जिनके संतान है उनकी संतानों को दीर्घायु दे रही हैं, उनकी संतानों को विद्या दे रही हैं, उनकी संतानों को सद्बुद्धि दे रही हैं, सद्मार्ग दिखा रही हैं। यह देवी स्कंद माता
इसीलिए आज के दिन पूजी जाती हैं। आप सभी को स्कंद माता के इस पंचम स्वरूप की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और माँ से आप हाथ पसार कर मांगिए, हे माँ मेरे घर में वास करो, मेरे घर में निवास करो, सभी प्रकार की अशुद्धियों और व्याधियों को दूर करो, हे स्कंद माता मेरी संतान को और मेरे वंश में वृद्धि दो। यदि आपके पास संतान नहीं है तो आज गोद पसार कर माँ से संतान को मांगिए, माँ अवश्य पूर्ण करेगी आपकी इच्छा को। जी दर्शकों, जिस तरीके से गुरुजी ने कहा कि अगर संतान की प्राप्ति जातक अलग अलग तरीके से, जो विद्यार्थी है वो विद्या मांगने के आधार पर माँ की पूजा अर्चना करते हैं, जो धन संपदा को लेकर के विचार रख करके इस नवरात्र व्रत का पालन करते हैं वो उनको माँ प्रदान करती हैं, तो ऐसे ही नाना प्रकार की अगर मनोकांक्षा लेकर के अगर आप माँ के इस संपूर्ण व्रत यानी शक्ति उपासना के इस महापर्व नवरात्र में अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो आज के दिन अगर आप जिस जातक, जैसा आपने कहा कि अगर आप पुत्र की कामना को लेकर के, संतान की कामना को लेकर के अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आज के दिन माँ आपकी गोद अवश्य भरेंगी। ऐसा सबका मानना है, ऐसा ग्रंथों का मानना है, ऐसा गुरुजी का मानना है और हमारा भी ऐसा ही कुछ मानना है। गुरुजी, अगर हम स्वरूप के बाद, माँ के विशेष आशीर्वचन के बाद अगर हम ये जानना चाहेंगे कि उनको किस तरीके का भोग लगाया जाता है, तो क्या कुछ दर्शकों को बताएंगे भोग के तौर पे? देखिए, माँ को जो प्रिय है वो सबसे ज्यादा, जो आज जो बच्चे हैं, जो संतान की देवी हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे भाई, अब ये नाना प्रकार की मिठाइयाँ चल गई, इन माँ बच्चों को प्रिय, जो छोटे पहले गाँव देहातों में जो बच्चे हुआ करते थे, माताएं बहने मालपुआ बनाती थी, मालपुए का भोग माँ को अत्यंत प्रसन्न है, मतलब अत्यंत प्रिय है। मालपुए का भोग अगर आप आज के दिन देवी को लगाते हैं तो देवी उससे प्रसन्न होती है। बाकी जो आपकी इच्छा है, प्रेम पूर्वक देवी को खिलाएं और उनको भोग लगाएं, वो अवश्य सुनती हैं। आंखें बंद कर घंटी की ध्वनि जो है आप अपने घर में करें, शंख ध्वनि आप अपने घर में करें, शंख ध्वनि से और घंटे की ध्वनि से आपके घर की नकारात्मकता, आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो उसके अंदर जीवाश्म है, वो सब समाप्त होंगे। घंटे की ध्वनि से लक्ष्मी का आगमन होगा। जब घंटा बजाते हैं तो लक्ष्मी प्रवेश करती है, शंख बजाते हैं तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं और उस घर से कभी नहीं जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, ऐसा देवी पुराण कहता है। तो आज के दिन आपने माँ को मालपुए का भोग लगाइए, नहीं तो जो आपकी इच्छा है प्रेम पूर्वक माँ को भोग लगाइए, माँ अवश्य सुनेंगे। गुरुजी, आपने देवी पुराण की बात की तो मेरे मन में भी ये ख्यालात आ रहे हैं और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दर्शक भी ये विचार सोच रहे होंगे कि आखिर में दुर्गा, नौ दुर्गा की उपासना के दौरान बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं कि पहले स्त्रोत पढ़ना है, फिर अर्गला करना है, फिर कीलक करना है, अगर जो नहीं कर पाते हैं तो आज स्कंद माता के आज 5वें दिन पे किस तरीके की उपासना करें या किस तरीके का चालीसा जाप करें, पाठ करें, जिससे उनको बराबर का फल मिल सके? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है भैया जी ने मेरे से करा है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय, संपूर्ण 13 अध्यायों का समावेश है जी, यदि आप वह नहीं पढ़ पाते हैं तो आज के दिन 4वां और 5वां अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। कोशिश कीजिए आप अपने जीवन भाई 9 दिन, माने 9 दिन के लिए डेरा डाला है घर में, तो अगर आप पाठ पूर्ण नहीं, मतलब आप 13 अध्याय नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो डेली देवी का कवच अवश्य पढ़ें, यानी जो दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देवी कवच है, उस देवी कवच को प्रातः काल पूजन में अपने हृदय में धारण कर ही अपने घर से प्रस्थान करें। यदि आप उस कवच को अपने हृदय में पढ़ लेते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं, आप विश्वास मानिएगा, आप कोर्ट कचहरी से संबंधित जो है आपका कार्य हो, आप जो है किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना इत्यादि हो, या किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्य ना बन रहा हो, या आप विद्यार्थी हैं, आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो आपका पूर्ण नहीं हो रहा हो, आपका वह कार्य पूर्ण होगा, परंतु आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ देवी का आपने कवच पढ़ना है, रोज पढ़ना है 9 दिन के दौरान। और आज के दिन, यानी आज 5वें नवरात्र के दिन, 4वां और 5वां अध्याय, जो कि देवी की स्तुति देवताओं ने किस प्रकार करी है, ये इन 4वें और 5वें अध्याय के अंदर बताया गया है। यदि आप आज 5वें स्कंद माता के नवरात्र के दिन 4वां और 5वां दुर्गा सप्तशती का अध्याय पढ़ते हैं, तो आपके घर में हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवी आपके पास बैठेगी। पर इच्छा क्या रखनी है? सच्चे हृदय की भावना निर्मल रखनी है और कुछ नहीं करना।
इसी प्रकार आपने देवी को मनाना है और भगवती से प्रार्थना करनी है। गुरु जी, कई बार परिवार में है, समाज में है तो समस्याएं आती ही हैं, तो ऐसे में बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, तो नवरात्र जो है उपासना का पर्व है, तो क्या कुछ ऐसा उपासना करें जिससे कि ये जो उनकी कामना है कि उनकी बच्ची की शादी काफी दिन हो गए हैं और वो नहीं हो पा रहा है, मिलन नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो कन्या क्या वो उपासना करें जिससे कि उसकी शादी नवरात्र के बाद ऐसा हो, संयोग बन जाए जिससे संपन्न हो जाए। देखिए, आपने क्या करना है, जो स्कंद माता है ये साक्षात भगवती पार्वती हैं, क्योंकि इनकी गोद में स्कंद पुत्र यानी अर्थात कार्तिकेय हैं। स्कंद माता की पूजा करने के साथ साथ आज के दिन भगवान कार्तिकेय का भी स्वतः ही पूजन हो जाता है जी। ये स्कंद माता संतान दायिनी है और ये विवाह को भी पूर्ण करती है, क्योंकि यह साक्षात भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। आप शिवालय में जाएं, जहां पर शिवालय के अंदर बीच में भगवान शंकर, माता पार्वती, गणपति गजानंद, कार्तिकेय भगवान यानी कुमार कार्तिकेय, स्कंद पुत्र और नंदीश्वर भगवान, और साथ ही जल जो कि भगवान शंकर के पास बह रहा है, और नाग देवता, ये सारी जो है देवी देवता गण वहां उपस्थित हैं। आपके विवाह के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि भैया जी ने भी मेरे से पूछा, तो आपने क्या करना है, साबुत हल्दी की 5 गांठ लेनी है। उन साबुत हल्दी की 5 गांठों को आपने सूती कपड़े के अंदर बांध देना है। सूती कपड़ा लाल रंग का हो तो बहुत ही अच्छा है, लाल रंग का ना हो तो सफेद रुमाल ले लें, उस पर कोई प्रिंट ना हो, प्रिंटेड ना हो, और उसके अंदर वह हल्दी की 5 गांठों को बांध देना है, और भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और आपने वह भगवान शंकर के जो वहां पर उपस्थित हैं, शिवलिंग उपस्थित है, उनके ऊपर आपने रखना है, परंतु उससे पहले आपने माता गौरी के चरणों से उस 5 गांठों को लगाना है, और आपने भगवान शंकर के ऊपर उन हल्दी की गांठों को रख देना है, और साथ ही मौली से आपने भगवान शंकर और माता पार्वती को बांधना है। अगर आपके पास मेहंदी है तो सूखी मेहंदी, गीली नहीं करनी है, सूखी मेहंदी अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर माता पार्वती के चरणों में इस प्रकार इस तरह से चढ़ानी है, इस तरीके से चढ़ानी है दोनों हाथों से, और अपने मन के अंदर यह ठानना है कि मेरा विवाह माँ पार्वती और भगवान शंकर आपकी कृपा से जल्द और शीघ्र अति शीघ्र होगा, और मुझे एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। यदि आप कन्या है तो वर बोलिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आप कन्या बोलिए कि आपकी कृपा से मुझे सुयोग्य कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा करने के बाद आपने उस शिवालय मंदिर के यानी भगवान शंकर जहां पर प्रतिष्ठित हैं, आपने आधी परिक्रमा लगानी है, पूर्ण परिक्रमा नहीं लगानी है। आधी परिक्रमा लगाने के बाद आप दर्शन करने के बाद अपने घर में आकर किसी भी जो आपका अगर बुजुर्ग आपके घर में है तो उनके पैर छूले, वरना किसी भी बुजुर्ग के आपने पैर छूने, चरण स्पर्श करने हैं और उनसे आशीर्वाद लेना है। घर में मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर घर में मौजूद नहीं है तो किसी भी बुजुर्ग से आशीर्वाद जरूर लेना है। अगर आपको बुजुर्ग नहीं मिल पाते हैं तो राह के अंदर यानी मंदिर से घर के वक्ताते की तरफ कोई भिखारी आपको मिल जाता है तो उसे हाथ जोड़कर आपने प्रणाम करना है और उससे आशीर्वाद ले लेना है। यदि आप कुछ देना चाहते हैं, आपके मन में कुछ देने की इच्छा है, तो उसे 1.25 रुपया या 2, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी इच्छा है, जो देना चाहते हैं, फल देना चाहते हैं, वो आपने उनको दे देना है। तो आपके विवाह के योग्य जो नहीं बन रहे हैं वो भी आज के दिन शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएंगे। दर्शकों, अगर आपको इस तरीके की समस्या आ रही है तो इस महापावन पर्व पर जैसा आपने बताया उस तरीके का पालन करें और आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और ये जानना चाहें कि आखिर में इस जो भी नवरात्र पर्व होते हैं, विशेषकर दो हैं, तो इन दोनों में से अगर हम कुछ अनुष्ठान टाइप का करना चाहें, जैसे मन में ख्याल आते होते हैं कि कुछ शुभ मुहूर्त हो, तो कहते हैं कि आज के दिन से, इस नवरात्रि के बाद से शुभ मुहूर्त का दौर शुरू हो जाता है, तो ऐसे में क्या क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि वो जो भी मनोकामना, जो इच्छा रखते हैं, उससे काम शुरू हो सके। देखिए, यदि आप अपना जो है घर परिवर्तित करें, यानी आप कोई नया घर लिया है, आपने नया घर ले रहे हैं या सगाई करनी है या रिश्ता पक्का करना है, तो इस चैत्र मास के अंदर नवरात्रों से उत्तम कोई और जो है दिन नहीं है जी।
इन 9 दिन के नवरात्रे से यानी प्रतिपदा से शुरू होकर जो ये नवमी तिथि तक के नवरात्र चलते हैं, इस नवरात्र के अंदर आप अपना गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, दुकान इत्यादि का भी कार्य कर सकते हैं, आप अपना रिश्ता भी जो है अपने बच्चों का जो रिश्ता है वो भी पक्का कर सकते हैं, सगाई इत्यादि का भी कार्य कर सकते हैं। वरना संपूर्ण चैत्र मास में शादी विवाह धार्मिक अनुष्ठान मना होते हैं, परंतु नवरात्रों के दौरान यह सभी धार्मिक कार्य आसानी से किए जाते हैं और होते हैं और हो जाते हैं, क्योंकि 9 दिनों का जो समय होता है बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है। आपने इन 9 दिनों के अंदर बिना किसी से पूछे अपना कोई भी शुभ कार्य बड़ी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। गुरु जी, 9 दिन नवरात्र के माने जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो जैसे अगर साक्षात देवी की बात की जाए, दुर्गा की बात की जाए, तो कहा जाता है कि 9 दुर्गा, तो क्या ये 7 दुर्गा नहीं हो सकती थी, ये 8 दुर्गा नहीं हो सकती थी, 5 नहीं हो सकती थी? आखिर में 9 दुर्गा का स्वरूप जो है और इसकी पूजा क्या कुछ इसके पीछे का विशेष है? देखिए, वैसे तो हर देवी के अंदर दुर्गा समाहित है, पर 9 दुर्गा, 5 दुर्गा नहीं हो सकती, 2 दुर्गा नहीं हो सकती, 4 दुर्गा नहीं हो सकती, कि 9 रूपों की 9 शक्तियां हैं, यानी 9 रात्र की शक्तियां हैं। 10 रात्र नहीं है, 4 रात्र नहीं है, 5 रात्र नहीं है, यानी माँ के प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ माँ कुशमांडा, पंचम माँ स्कंद माता, छठम माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माँ महागौरी और नवम माँ सिद्धिदात्री। ये 9 दुर्गा का 9 दिन का एक समावेश है। अब देवी कब, देवी ने अलग अलग रूप रखे हैं, देवी ने अलग अलग अवतार लिए हैं, अलग अलग रूप रखे हैं, और इन 9 दिनों के अंदर सभी देवी पूज्य होती हैं, यानी आप लक्ष्मी देवी को पूजें, काली देवी को पूजें, माँ चिंतपूर्णी को पूजें, माँ नैना देवी को पूजें, हर देवी इन 9 दिन के अंदर समाहित हैं। और 9 दिन ही क्यों पूजी जाती हैं? अब बच्चा जब इस संसार के अंदर आता है तो वह 9 मास माँ के गर्भ में रहता है। इसी प्रकार जैसे बच्चा माँ के 9 माह तक घर में रहता है और माँ उसका पालन पोषण करती है, कहते हैं ना कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, ये है माँ की ममता। जब माँ 9 दिन तक हमारे को अपने गर्भ में रखती है, तो इसी प्रकार माँ भी 9 दिन तक इन 9 नवरात्रि में हमारे घर में वास करती है, हमारे घर में आकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। यही विधान है, यही भागवत पुराण है, यही कहती है जो देवी पुराण भी, कि माँ 9 दिन के लिए इसीलिए हमारे घरों के अंदर वास करती है और हमारे घरों में इसी प्रकार सुख शांति और सौभाग्य देती है। गुरुजी, आज की युवा पीढ़ी जो है वो आधुनिकता से जुड़ती चली जा रही है, 21वीं सदी चल रही है, हर चीज जो है वो अब एक नए तरीके से, एक नए कलरों के साथ में प्रदर्शित हो रहा है। इसके पीछे ये अगर हम पद्धति की बात की जाए, हम संस्कारों की बात करें, हम सनातन परंपराओं की बात करें, तो मन में ये भी बातें आती हैं कि आखिर में 9 रातें क्यों कही जाती हैं, नवरात्र क्यों कहा जाता है, 9 दिन क्यों नहीं कहा जाता। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके मन में ये ख्याल आ रहे होंगे, तो इसके पीछे का क्या मर्म है? देखिए, 9 रात्र यानी 9 रातों में देवी पूज्य होती हैं, मतलब दिन में तो पूज्य होती हैं, परंतु यदि आप रात्रि में जागरण करते हैं, दिन के कितने पहर होते हैं? दिन के 8 पहर होते हैं, 8ों पहर देवी का पूजन किया जाता है, रात्रि के अंदर जागरण करा जाता है। इन 9 दिनों के अंदर पूजन का कोई समय सुनिश्चित नहीं होता कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप किसी भी समय देवी का पूजन कर सकते हैं। यदि आप रात्रि में उठकर भी 9 रात्र, अर्थ को समझे, 9 दिन की रातें जी जो इसके अंदर है, यानी आप कोशिश कीजिए कि अपनी निद्रा को थोड़ा कम करने की, है ना, आप इन 9 रात्र के अंदर भगवती को मनाएं, सुबह के 4 बजे जबकि हमारा ब्रह्म मुहूर्त जो है उस जो है लग जाता है, आप देवी का 12 बजे हर मतलब हर 3 घंटे बाद यदि आप पूजन करते हैं, और रात्रि में तो सब वैसे सो जाते हैं, परंतु यदि आप शक्ति की उपासना रात्रि में करते हैं तो आपको अंदरूनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी जो ये कर्म कांड के पंडित वगैरह होते हैं या जो जिस प्रकार ये उपासना वगैरह करते हैं, ये रातों के अंदर देवी शक्तियां देवी से शक्तियां लेते हैं, क्योंकि इन दिनों के दौरान शक्ति अपने अखंड सौभाग्य, जितने भी सौभाग्य होते हैं उनको खोलकर बैठी होती हैं, खजानों को। आपने क्या करना है, यदि आपकी इच्छाएं हैं मन के अंदर, आप शक्ति से शक्ति पाना चाहते हैं, तो रात्रि से बढ़कर, क्योंकि रात्रि के अंदर एकांत होता है,
कोई आपको बिल्कुल भी जो है परेशान करने वाला नहीं होता, ध्यान का समय होता है। आप इन नवरात्रों के अंदर, नौ रात्रियों के अंदर भगवती की पूजा करते हैं और उनके अंदर ध्यान लगाते हैं तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। जैसा कि आपने एक चीज और भी कहा कि अगर आप शक्ति उपासना की अगर इच्छा रखते हैं, कुछ ज्योतिष होते हैं वो साधना जो करते हैं रात में ही करते हैं, तो इसके भी कुछ प्रमुख दिन होते हैं निर्धारित करते हैं, जैसे पहले दिन हो गया या अष्टमी के दिन विशेष माना जाता है, सप्तमी की रात्रि जागरण होती है, तो इन सब में विशेष क्या होता है? अगर नौ दिन में हम उपासना करें तो हालांकि नौ दिन तो नवरात्र हैं, माँ की ही दिन है, लेकिन इसमें अगर मैं ज्योतिष के आधार पर देखना चाहूँ तो नवरात्र में से कौन सा दिन प्रमुख होता है, उनके लिए विशेष होता है? देखिए नवरात्र में तो वैसे हर दिन प्रमुख है, हर दिन प्रमुख है, हर रात प्रमुख है, परंतु यदि हम प्रतिपदा, पंचमी और अष्टमी व नवमी इन तिथियों के दिन शक्तियों का एकाग्रित कर लेते हैं तो आपके जीवन में वो सुनिश्चित ही नहीं बहुत सरलता से आपको मिल जाती है, क्योंकि पहले दिन देवी का आगमन है, पांचवा दिन जो देवी का जो बताते हैं वो शास्त्रों के अंदर बताते हैं, मैं आपको इतना कुछ अंदर तक की जो है शास्त्र विधि नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी समय का भी बहुत अभाव है, क्योंकि ये बहुत लंबा जो क्या कहते हैं इसके ऊपर टॉपिक चला जाएगा यदि मैं बताऊंगा। और आठवां और नवमा दिन ये बताते हैं, और ऐसे ही कहते हैं कि यदि आप अष्टमी और नवमी के दिन पाठ दुर्गा सप्तशती का करते हैं तो आप पूरे नवरात्र मत कीजिए भैया, पहले से लेकर साल तक यदि आप नहीं कर पाते हैं, नहीं आपको समझ पाता, अष्टमी और नवमी के दिन यदि आप पाठ कर लेते हैं दुर्गा देवी के सम्मुख तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है, उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह वो दिन है जब बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े देव भी देवी को मनाने के लिए शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की अष्टमी नवमी के दिन पृथ्वी पर भगवती को मनाने के लिए आए हैं, ये वह दिन है। इस बार का नवरात्र, वैसे हर बार का नवरात्र कुछ विशेष होता है, लेकिन इस बार का अगर नवरात्र हम जाने और दर्शक भी जानना चाहें कि क्या कुछ विशेष है, किस तरीके से विशेष है, अगर हम पद्धति के आधार पर नहीं कह रहे हैं, इस बार के पंचांग के आधार पर अगर कहें तो क्या कुछ विशेष है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पंचांग हमारा जो विक्रम संवत है और शक संवत है वो हमारा इन्हीं नवरात्रों से बदलता है जी। पूरे वर्ष भर जो विक्रम संवत और ये आपका शक संवत चलता है ये चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा से ही बदला जाता है, और हिंदू धर्म लगता है, साल की फसलें कटती हैं, कृषि उद्योग बढ़ता है, और इसी प्रकार जो है क्या कहते हैं घर के अंदर सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, और साथ ही जितने भी बही खाते हैं आप उस सरकारी बैंकों के ले लो, प्राइवेट बैंकों के ले लो, बनियों की दुकान के ले लो, सारे बही खाते इस चैत्र मास के अंदर ही बदले जाते हैं जी। जब आप धन के आगमन के लिए चैत्र मास के नवरात्रों के अंदर अपने बही खातों को बदलते हैं, अपने पुराने डिटेल्स जितनी भी आपके पुराने क्रियाकलाप है उनको बदलकर आप नए में लाते हैं तो इससे बढ़िया और इससे उत्तम क्या होगा। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य धन की तरफ भागता है और उसी की तरफ उसका सबसे ज्यादा आक्रोश रहता है, तो जो चैत्र मास से बढ़कर और इन नवरात्रों से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और रही इस बार की बात तो इस बार क्या, हर बार क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्र पूरे हैं। हर बार क्या होता है भाई, एक या दो नवरात्र घट जाते हैं, अब की बार पूरे नवरात्र हैं, नौ दिन, हाँ पूरे नौ दिन है, अब की बार कोई भी नवरात्रा घट नहीं रहा है, पूर्ण नौ रूप है माँ के और पूर्ण नवरात्रि पड़े हैं। कहते हैं कि नवरात्रा बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इससे शुभ तो कोई हो ही नहीं सकता। गुरुजी संस्थानों की अगर हम बात करें तो नौ दिन नवरात्र के हैं, हर व्यक्ति नौ दिन का व्रत भी रखता है, और अगर मान लीजिए स्थापना की बात करें तो ज़्यादातर लोग अपने घर में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी आपने भी बताया बहुत सारे मर्म होते हैं, साफ सफाई होती है और माँ की सेवा की जानी चाहिए। तो अगर संस्थान की बात करें, संस्थान में अगर कोई विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कैसे पूजा पद्धति करें, कैसे पूजा करें जिससे उनके व्यवसाय को और भी ज़्यादा गति मिले और सब कुछ संपन्न रहे। देखिए संस्थान, घर में तो आप नाना प्रकार की पूजा अर्चना कर सकते हैं, संस्थान यानी आप अपने ऑफिस के अंदर हैं, आप अपनी दुकान के अंदर हैं या किसी भी संस्थान के अंदर हैं, आप उसमें इतना पूजा कार्यक्रम नहीं कर सकते। आप नवरात्र जब शुरू होते हैं तभी आप उस मंदिर को जो भी आपने बनाया हुआ है उसको अच्छे से साफ करें, उसमें एक लाल कपड़े को बिछाएं, भगवती जो है दुर्गा है उनकी जो है मूर्ति हो या उसका कोई चित्र हो आपके पास, उन चित्र को लगाएं, एक उनके ऊपर चुन्नी अवश्य चढ़ाएं। पर इन जो है नवरात्रों के अंदर घर हो या संस्थान, लोबान अवश्य जलाना चाहिए सुबह शाम,
लोबान की अगर आप ध्वनि देते हैं, धुआं देते हैं, तो आप सारी नकारात्मक संस्थान से क्या घर में से भी जाती है, घर में जलाते हैं तो वो लोबान आपने जरूर जलाना चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर जो गाय के शुद्ध जो उपला होता है, जो उसको जला करके, सूखे उपले को जला करके उसके ऊपर घी से लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं और सामग्री चढ़ाते हैं, कमलगट्टे और लौंग इत्यादि चढ़ाते हैं, इलायची चढ़ाते हैं, गुगर चढ़ाते हैं, उसको भी चढ़ाना चाहिए, जलाना चाहिए। और उसकी ज्योति के बाद जब धुआं होता है तो अपने हर कमरे के अंदर उस धुएं को देना चाहिए। और सुबह शाम लोबान तो अलग से जलाना ही चाहिए, संस्थान में भी जलाएं और घर में भी जलाएं, और अपने गले के अंदर जो आपका संस्थान है उस गले के अंदर एक लाल रुमाल के अंदर सुपारी और सूखे धनिया के बीज, जो सूखा धनिया होता है उस सूखे धनिया के 7 बीज ले लो, 11 बीज ले लो, सुपारी साथ में कुछ दक्षिणा, और उस सुपारी को कलावे में बांध दो, कलावे में बांध देना चाहिए, और उसके अंदर साबुत चावल लेकर 1 या 2 हल्दी की गांठ को लेकर उसके अंदर 2 गांठ रुमाल को मारकर भगवती माता के चरणों से लगाना है। 9 दिन तक उसकी पूजा उपासना करनी है। नवमी तिथि के दिन जब देवी विदा हो रही है, मैं आपके संस्थान के लिए बता रहा हूं, जब नवमी तिथि के दिन देवी विदा हो रही है तो विदा करने के बाद आप उस जो जहां पर आपने स्थापना करी है उन माता के चित्र को थोड़ा सा हिला दें कि देवी विदा हो गई है, और उसके बाद में यदि आपने जल इत्यादि रखा तो उसका आपने पूरे संस्थान के अंदर छींटा वगैरह दे दें, और वो जो पोटली बनाई है उसे देवी के चरणों से लगाकर अपने गले के अंदर रखें और माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माँ ये मेरी 9 दिन की उपासना है, आपने अपने 9 स्वरूपों के साथ लक्ष्मी के साथ मेरे इस गले के अंदर बरकत देनी है, मेरी जो लक्ष्मी है जो मैं अपना ये धन कमा रहा हूँ ये किसी गलत कार्य के अंदर ना लगे, ये माता से प्रार्थना करनी है और माता आपके अवश्य भंडार भरेगी। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आप सभी को मेरी तरफ से आज 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी स्कंद माता आपके घरों में अखंड सौभाग्य की वृद्धि करें, आपकी संतान जिसको दीर्घायु प्रदान करें, विद्या दें, यदि आपके यहाँ संतान नहीं है तो माँ आपकी सूनी गोद को भी जल्द से जल्द भरें, ये मेरी माँ स्कंद माता से विनम्र प्रार्थना है। जय माता दी। तो दर्शकों आज 5वां दिन आपने देखा कि किस तरीके से माँ स्कंद माता की पूजा की जानी चाहिए, अर्चना की जानी चाहिए, माँ स्कंद माता का अगर हम उपासना करें तो किस तरीके से करें, क्या कुछ भोग चढ़ाया जाए, और सबसे बड़ी बात अगर आप संतान को लेकर के, संतान प्राप्ति को लेकर के अगर जातक पूजा करें तो माँ कृपा बरसाती हैं और उनके घर किलकारियां बच्चों से आती हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। तो जय पारस चैनल के इस खास कार्यक्रम की आज की 5वीं कड़ी में हम यहीं पे लेंगे विराम। कल फिर मुलाकात होगी 6वें दिन 9 दिन नवरात्र में। आज के लिए यहीं पे दीजिए इजाजत। जय माता दी।